या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज करदा जी। सज्जणा ते भराओ, गल इह आ कि एक लफ़ज़ इस्तेमाल कीता सी जी मेरे सिपा सलार साहब ने, फिफ्थ जनरेशन वार। ये उस वेले इस्तेमाल होया सी जदों पाकिस्तान और कश्मीर के मामलात उधरों चाइना जिहड़ा वो लद्दाख दे विच अपना जिहड़ा वा वो तेज़ी नाल अपनी वर्किंग कर रहा है। इस दौरान के अंदर इमरान खान साहब ने UNO के अंदर तकरीर की, फिर एक डोजियर जरा वो शाया किया गया, यानी उस वक्त मेरे सिपा सरार साहब ने यह गल कही सी कि आने वाली जंगा जड़िया वो फिफ्थ जनरेशन वार के तहत लड़िया जाएगी, मुल्कों के उत्ते इल्जाम लाए जाएंगे, मुल्कों जरा बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, वो लफ्ज़ जिहड़े आ उन्होंने अदा कर दिते। उस तो बाद जिहड़े अनपढ़ सियासतदान आ इन्होंने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिता जी। फिर इन्होंने वकला जिहड़े आ जिहड़े इन्होंने थिंक टैंक हुंदे वकील उन्होंने दिते, गौर करना शुरू करता ये लफज नवां आया जी, एक इहदे मायने की आ। पहले ये जिहड़ी डंगर बरादरी आ जिन्नी भी, ये सारे किसे नूं नहीं पता सी फिफ्थ जनरेशन वार की हुंदा वा। उस तो बाद इन्होंने फिर उन्हूं सियासी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। आ जी फिर मीडिया डिवेलपमेंट ते मीडिया प्रोजेक्शन ते जनाब कीबोर्ड वारियर ते फलाना फलाना, ये सारा निज़ाम इन कहता जी ये फिफ्थ जनरेशन वार दे वारियर आ जी सारे। इस तरह ही अज की गल जी आते पहले गल कर लेने जी कि तस्नीम हैदर शाह साहब आ जी, कोई उन्होंने एक स्टेटमेंट देती आ, वो अफरा तफरी पूरे पाकिस्तान दे विच फैल गई जी। उन्हें नाम देता जी नवाज शरीफ साहब का जी, एक भट्ट साहब आ कोई उन्होंने नाम देता, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसे जाके उन्होंने सज्जे खब्बे को वकला भी खड़े आ, वो तुसी तस्वीर देख सकते हो या उन्होंने वीडियो आ गई आ, वो हर न्यूज़ चैनल उन्होंने शेयर कर रहा जी, वो तुसी सुन सकते हो। असी तो हम कॉपीराइट की वजह ना नहीं उन्होंने शेयर कर सकते। मकसद गल करन दा है जी कि पाकिस्तान के अंदर फिफ्थ जनरेशन वार आ जो कुछ 8 महीने 6 महीने 7 महीने जदों की रजीम चेंज ऑपरेशन होया, फिफ्थ जनरेशन वार का बड़ा अहम करदार हो गया जी। वार लड़ी जाती है दूसरे मुल्कों नाल, इत्थे वार जिहड़ी आ लड़ी जाती सियासी तौर उत्ते। कल जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने जी एक अटैक कर दिता, वह भी फिफ्थ जनरेशन वार सी। आरिफ अलवी साहब के उत्ते अटैक करता, गुस्सा सी किसी होर दे उत्ते, वह कढ़िया गया जी आरिफ अलवी साहब दे उत्ते। उसकी वजह के दस्खत आखिरी होने हैं जी आरिफ अलवी साहब के। अच्छा, जो जरदारी साहब चाहते आ वो उधर नहीं दाल गली उन्होंने, उन्होंने जनाब इन्हों अगे करता कि चलो जी तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये बेहतरीन हथियार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और ये जनाब फिर अगे आवाम दे विच एक नैरेटिव बिल्ड करना। बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसा कीतियां जिदा कि किसी का कोई फायदा भी हो गया, किसी का जरा वो उन्होंने उल्टा नुकसान होया। मोस्टली जिहड़े ये लोग आ जिहड़े इमरान खान साहब के खिलाफ आ चल रहे, इन्होंने बेचारियां ने जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उहदा तिया पांचा हो गया, और उस तो बाद वो जिहड़े जर्नलिस्ट आ जिहड़े एंकर आ या जो बड़े बड़े टीवी चैनल जिहड़े आ उन्होंने प्रोग्राम किए, उन्होंने गंदगी उछालण की कोशिश की, उहदा रद्दे अमल जिहड़ा वा उल्ट होया। हुण गल दा एनालिसिस करदे आ कि तस्नीम हैदर शाह साहब इस वक्त क्यों बोले। फैसल वाडा साहब बोले जी, उस तो बाद जनाब एक दुबई दे साहब बोले जी, उस तो बाद जनाब बिलावल साहब बोले जी, उस तो बाद अज ये आ गए जी। इन सारिया ग कड़िया अगर रलाया जाए, इमरान खान साहब तो जी दुश्मन उन्होंने सारे ही आ जिन्हें भी आ। अच्छा, इमरान खान साहब ने अकलमंदी की, उन्होंने कहा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ओ जनाब लोंग मार्च जड़ा ये बंदे घट गए, ये फलां हो गया, ये आ नहीं रहा जी, दौड़ गए जी, फेस सेविंग मंग रहे हैं जी, आवाम नहीं आ रही, और रवाज तुसी कल देख लिया कि दुनिया कितनी सी। अच्छा, ये हुण 26 तारीख नूं तुहानूं पता लग जाएगा कि उत्थे दुनिया कितनी आ रही आ, काफले किस तरह जिहड़े आ ओह बिस्तरे बंद के ते दाला राशन अपने जनाब जिहड़े लै के देगा नाल लै के बोरची अपने नाई जिहड़े आ जिन्हां नूं कहा जांदा वह लै के ते अपने अपने जिहड़े इंतजामात करके ते वह आ रहे जी बकायदा तौर पर अपने कैंप लै के आ रहे। ये हो रहा जी 26 तरीक का इंतजाम हो रहा जी, जिहड़ा तुहानूं
मैदान दे विच बस्तियां खैमा बस्तियां जिहड़ियां लगियां नज़र आणगियां जिद्दां अफगान महाजरीन जिहड़े आ पाकिस्तान च आ के उहनां दीआं खैमा बस्तियां लगियां सी जी। बहरहाल के जी गल ओह तस्लीम हैदर शाह साहब दे उत्ते गल करदे आ जी कि उहनां ने अज इक स्टेटमेंट दे दित्ता जी। गल अरशद शरीफ उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का नाम लिया अरशद शरीफ साहब का नाम लिया तो इल्जामात की कड़ाई चुके नवाज शरीफ साहब के उत्ते पाते। हुण ये लंदन दे विच उन्होंने खड़े होकर बयान दिता उन्होंने सवाल जो सहाफिया ने किया कि क्या जनाब तुहाडे को एविडेंस हैगे आ उन्होंने कहा जी बिल्कुल हैगे आ उन्होंने डेटा दसिया मुख्तलिफ और मैं जबानी नहीं याद हैगी कोई एक भी दसी आ कोई छे दसी कोई इस तरह कुछ कुछ लास्टली जी अरशद शरीफ साहब के कतल जो शहीद हो तो बाद की डेट दसी आ। बहरहाल के जी उन्होंने कहा जी कि मेरे नाल राबता किया गया इन दोनों केसों के मुतलक फिर मैं जिदन इमरान खान साहब के मुतलक उन्होंने कहा जी भी आह काम कर दिता जाए तो मैं उन्होंने मदद कर ली भी मेरे उत्थे तो कोई तलकात नहीं है उस एरिए बट साहब का उन्होंने नाम लै दिता। अच्छा मुख्तलिफ सहाफ़ी जेडे आ ए आर वाई दे या बड़े बड़े जे टी वी चैनल के जेडे सहाफ़ी आ कुछ लंदन च मौजूद आ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना राबता करना शुरू किया लेकिन उन्होंने जवाब कोई नहीं दिता जी। ये साहब जिहड़े आ इन्हां दे सज्जे खब्बे दो वकील खड़े सी हुण लंदन एक ऐसी जगह जी जिथे पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलता जी। पाकिस्तान के निज़ाम के तहत गल घुटी भी जा सकती आ गल उछाली भी जा सकती आ गल दा नैरेटिव भी बन सकता वा गल जिहड़ी आ उह कई दुनिया पाकिस्तान की हिस्टरी च तुसीं चुक के देख लो ऐसे ऐसे लोग आ जिन्हों ने बेचारे ने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन वह दुनिया के उत्तर चले गए उन्होंने सजाए मौत हो गई इदा के वाकयात भी है जी। एक सखर के फजल ठेकेदार साहब होंगे सी उन्होंने अल्लाह जाने जी किताब लिखी कि नहीं बाद कैनेडा चले गए उन्होंने मैंने एक दफ़ा वो मेरे वाल साहब के दोस्त थे तो उन्होंने एक बार ये गल दसी कि मैं एक किताब लिखी आ जिद मैं पता कि सखर का एक आदमी जोड़ा सी ना हक जरा वा वो फांसी चढ़िया अल्लाह जाने कौन होएगा कौन नहीं होएगा लेकिन ये वाकयात पाकिस्तान के अंदर होंगे आ जी। यानी किसी के उत्ते चरस पा दौ किसी से कुछ हो जाओ ये एक फिफ्थ जनरेशन वार ही आ जी जिन्हों एक कारोबार जोड़े आ सारे चलते हैं। बहरहाल के जी हुण गल ये जड़ा इशू खड़ा होया जी क्यों होया ये अगर जायजे ले जाण जी एक पासे जिहड़ी खबर आ रही जराए के मुताबिक कि कुछ तैनाती का मसला जी वो देखो जी वो तो उन्हों का फैसला मनिया जाना नवाज शरीफ साहब एडे जोरावर नहीं है गो वो पार्टी उन्हों का भाई वजीर आजम जरूर आ भाई कोरोना हो गया वो चले गए जी बैड रेस्ट चले गए या मिलते या नहीं मिलते खुदा जानता जी। अज एक खबर जी होर छी गई जी कि बड़े सीनियर सहाफ़ी आ जी उन्होंने दिती आ ब्रेक की आ मोहतरम सहाफ़ी आ उन्होंने दसिया कि जे शबाज शरीफ साहब आ उन्होंने वजारत उजमा तो जड़ा वा एक किस्म के उन्होंने अख्तार अख्तियार जोड़े आ सलब कर रह गए ये तुसी मैं नाम नहीं लै रहा उन्होंने जान के नहीं लै रहा मैं उन्होंने बड़ी इज्जत करता वा लेकिन उन्होंने को खबर बड़ी तस्दीकशुदा होंगी आ खबर जी एवं नहीं देंगे यानी तुम ये कह लो कि 90% 85% 95% उन्होंने जी प्रोडक्शन करते जी अपने वीलॉग के या अपनी खबर जी देंगे आते खबर सच्ची साबित होंगी। अच्छा कुछ खबर जीडिया ये आ रही जी कि जी पी डी एम आ नवाज शरीफ साहब आंदर खाने उन्होंने ये भी पैगाम दिता कि डट जाओ ये जेडे साहब लांच होए आ जी इन्हों का ये मतलब कोई गल नहीं कही जा सकती हो सकता उन्होंने को एविडेंस हो सकता उन्होंने को ना हो हवा च तीर उ लंदन के नहीं चला सकते अगर फर्ज करो ये गल सच्ची आ ते उत्थे दी पुलिस एक्टिव हो जाएगी उत्थे दी पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड जिहड़ी पुलिस आ वो एक्टिव हो जाएगी ये बहुत बड़ा बयान आ जी। अगर खुदा रखास्ता वो जुर्म उन्होंने उत्ते साबित हो जाता इन्हों को एविडेंस आ गए क्यों सहाफ़ी ने सवाल किया तुसी पुलिस नाल राबता किया उन्होंने कहा हाँ मैं पुलिस नाल राबता किया पुलिस ने मेरे नाल वादा किया कि असी तैनू प्रोटैक्शन देवांगे लाइफ प्रोटैक्शन दी वो तो अल्लाह दिंदा जी लेकिन उन्हें ये गल कही आ। अच्छा ये नाल नाल जनाब उन्होंने को सहाफ़ी साहब ने जो सवाल किया कि तुसी कहंदे हो कि उत्थे बंदे ज़्यादा सी उन्होंने कहा जी 8 आदमी सी। अच्छा उन्हें जनाब स्पेशली जड़ा वा ना अपना जो स्पेशल नाम लाए वो दो बंदे लाए बट साहब का तो नवाज शरीफ साहब का
उन्होंने मरियम नवाज साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने वो जिहड़े बाकी बंदे आ सत्तां दे विचों दो कढ दिओ, बाकी पंज रह गए, पंजां दे विचों चलो ये होणगे जी एक, वह रह गए जी चार बंदे। वो चार बंदे कौन सी जी? आखिर वो सवाल तो है ना जी खड़ा, वो बंदे कौन सी जी? अच्छा फिर अगर इन्हां नूं पता सी ते ये वाकया होने तो पहले इन्होंने क्यों नहीं जनाब ये इतलाह जिहड़ी दित्ती, क्या उत्थे दी पुलिस ने उन्हां नूं रोकिया भी तुसीं इह टाइमिंग सही नहीं हैगी, पहले इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्हां ते हमला हो लवे फिर उस तों बाद जिहड़ा तुसीं बयान दे देना। अच्छा अरशद शरीफ साहब जिहड़े इस दुनिया तो चले जाणगे उस तों बाद तुसीं इह स्टोरी ब्रेक करना जी। हुण इहदे उत्ते बस जिहड़े लोग आ उन्होंने इन्हां दी कोई पुरानी वीडियो जिहड़ियां वा वो ट्विटर दे उत्ते चढ़ाइया वा उहदे ते इह कुछ जिहड़े नाम जिहड़े तीन नाम इमरान खान साहब लै रहे आ उन्हां नामां विच वी इक नाम जिहड़ा वा वो जिहड़ा वजनी नाम आ इन्हां ने अपने वो कोई इंटरव्यू दिता या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आ मैं नहीं सुनी जी, लेकिन खबर के मुताबिक जराए के मुताबिक जिहड़ी आ वह पहुंची आ जी खबर, यह मैं मतलब कि बस ये जराए आ जी, जराए के मुताबिक ही दस सकदा जी कि एक जिहड़े सहाफ़ी आ उन्होंने खबर दिती आ अपने अपने वीलॉग दे विच, उन्होंने दस्या कि इन्होंने बयान दिता वो जिहड़े साहब आ तीसरे साहब जिहड़े दो तो हैगे ना जी जिहड़े सियासी लोग आ एक तीसरे साहब आ जी उन्हां दा इन्होंने नाम लिया जी कि उन्हां दे उत्ते एफ आई आर होनी चाहिए आ इमरान खान साहब की जिहड़ी आ। हुण इहदे ते सवाल पैदा हुंदा जी क्या इधर जिहड़ा सारा निज़ाम चेंज हो रहा इहदे विच नवाज शरीफ साहब रुकावट बनन की कोशिश कर रहे, क्या उहदा कोई रद्द अमल आ या हकीकत आ या कुछ लोग जिहड़े इमरान खान साहब जिन्हां दे मतलब गैस कर रहे आ वो लोग आ उन्होंने चुके तो मलबा इन्हां ते पाता, ये सारिया गल्लां देखो उस वक्त होनी आ जदों ये विद एविडेंस जिहड़ा वा पुलिस दे कोल जिहड़ी आ रिकॉर्डिंग जाएगी, हर चीज़ मौजूद होएगी, ये बंदियां दे नाम दसणगे सारी गल करनगे, अगर लंदन दी पुलिस इत्ते इन्वेस्टिगेशन करदी आ या पाकिस्तान दे अदारे जिहड़े आ उन्हां वास्ते हुण सवाल बन गया कि ये एलीगेशन लाया और ये एक बड़ा वड्डा केस है, एक वजीर आजम का केस आ, एक पाकिस्तान का एक बड़ा नामवर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट सी उहदा केस आ, उहदा सारा यानी जिहड़ा तोपां दा रुख आ वह मोड़िया जा रहा मेरे पाक जिहड़े अदारे आ उन्हां नाल मोड़िया जा रहा या की कीता जा रहा, ये सारिया गल्लां जिहड़ियां इहदे ते पाकिस्तान के जिहड़े ताकतवर अदारे आ जिहड़े सियाणे लोग आ उन्हां नूं चाहीदा इहदे ते बकायदा उत्थे दी पुलिस नाल राबता करन करके इस गल दा नतारा करन कि आया ये बंदा सच बोल रहा या झूठ बोल रहा। अगर देखो ना जी अगर ये सच आ तो फिर ये नवाज शरीफ साहब वास्ते जिहड़ा वा मामलात ये गंभीर हो जाएंगे, ना वो लंदन रह सकणगे ना किते होर रह सकणगे जी, पाकिस्तान विच वो उन्हां ते केस आ, लंदन च भी केस शुरू हो जाएंगे। अच्छा अगर इस गल नूं फिफ्थ जनरेशन वार दे तहत इनू एनालिसिस कीता जावे इस कम छड़ दिता गया गल दे उत्ते लंदन की पुलिस जिहड़ी आ इन्वेस्टिगेशन करदी आ, इन्वेस्टिगेशन करन तो बाद वो कह दिंदी आ जी कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब जिहड़े आ उन्हां दा इच तल्लक ही कोई नहीं, एक बयानिया बन गया, बयानिया बन गया। उस तो बाद ये जिहड़े मर्जी ये चाहे पाकिस्तान के जिहड़े ताकतवर लोग आ उन्हां वाले सियाणे लोगों वाले पासे ये तोपां दा रुख कर दें या कर दें जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ते जी ये बंदा उन्हां दा वा, मकसद गल करन दा है कि ये दोनों जायजे जिहड़े आ लैणे पैणगे इस मामले दे विच कि आया ये आदमी कितना अथेंटिक आ कितने सच्चे आ, इहदे मतलब ये जरूर आ कि ये उन्हां दे जांदे आ उन्हां दी मीटिंगां अटेंड करदे रहे आ उत्थे बैठदे उठदे रहे आ, जिद्दन जमायमा साहब दे घर दे उत्ते इन्हां ने प्रोटेस्ट कीता उत्थे भी ये साहब नज़र आए आ, इहदा मतलब इन्हां दा लिंक जरूर हैगा। हुण ये जिहड़ा बयान दिता वा ये दिता भी वह जिस तरह जवेद लतीफ़ साहब ने बयान देता सी सूँ फसाता गया या खुरम दस्तगीर साहब ने बयान दिता कि सानू लिया के फसाता गया, ये इदा का कोई बयान बयानिया जिहड़ा वा कीता जा रहा वा या की कीता जा रहा, लेकिन ये मुतलक हजे कोई अथेंटिक गल जिहड़ी आ वह नहीं की जा सकती, लेकिन है ये फिफ्थ जनरेशन वार आते आने वाले वक्त के कोई तबसरा किया जा सकता उस तो पहले तो नहीं किया जा सकता। दूसरा जिहड़ा मामला जिहड़ा चल रहा वा जी वह हुण देखो दो तीन दिन के अंदर मंतकी अंजाम तक पहुँचता नज़र आता या हजे भी डिले हुंदा वा,
उहदे ते कंसेंसस पैदा करन दी कोशिश कीती जा रही आ। असाक डार साहब ने जिहड़ा वा ओह मुलाकात अलवी साहब नाल कीती आ। अलवी साहब जिहड़े आ उन्होंने अगे इमरान खान साहब नूं पैगाम दिता। इमरान खान साहब ने उहदे ते पैगाम दिता कि जदों तक इलैक्शन की डेट नहीं दिती जाएगी साडे कोई मजाकरात इन्हां नाल नहीं होणगे। दूसरी गल उन्होंने ये गल कही आ कि मेरे वालों कोई आर्मी चीफ साहब आ जाण मेरे वास्ते सारे मोहतरम आ जी। ये जिहड़ी गल इमरान खान साहब की उन्होंने बिल्कुल अपने आप नूं साइडलाइन बड़े अकलमंदी नाल कर लिया। उन्होंने कहा कि मैनू की जरूरत आ, ये अग का खेल आ, इहदे च मैं खेलां, आने वाले वक्त जो मेरी किसी ना दुश्मनी है वो मेरे वालों ये जनाब जिन्हों मर्जी ला दे। ये इस्तेहकाक जिहड़ा वा वजीर आजम साहब के कोल आ, वजीर आजम साहब जाणन ते वो अदारे जाणन ते ये जाणन जिदा कहिंदे आ कि मैं हुण चलो छड्डो उन मिसाल नूं क्यों वो विच बड़े सिपा सलार जिहड़े आ उन्हां दा विच बरादरी भी उही आ, वो इस वास्ते मैं जरा गल घुट गया वा ते वो जनाब इस वास्ते वो जाणन ते वो जाणन जी। लेकिन क्या पाकिस्तान के अदारे जिहड़े आ उन्हां दा इत्थे फर्ज बनता या नहीं बनता कि ये मामला जिहड़े आ ये एक इशू बनाता गया, एक तमाशा बनाता गया, गली गली तमाशा बनाता गया। इस गल नूं मतलब कि कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह से ये मच्छी बाजार बनाया जिहड़ा भी जिहदे चार सीटां टोटल वो भी जहाज सरकारी ते चढ़ के जाके ते पैगाम रसानी करता फिरदा वा भी बई फलाने नूं आर्मी चीफ साहब लाना फलाने नूं नहीं लाना। जिहड़ा को 80 सीटां वा वह भी कहिंदे फिरदे जी असी फैसला डट के असी करना। जिन्हां को 50 सीटां वा वह भी कहिंदे साडे मन्नो जी। तो जिहदे को हैगियां 155 सीटां एक सी ते जे तो चलो 125 रह गईआं वह 20-25 विचों हो गए जमीर जिहड़े उन्हां दे जाग गए वह बंदा कहिंदा जी जिहड़ा बंदा मैरिट ते आ उहनूं ला दिओ। मकसद गल करन दा इह आ जी कि पाकिस्तान दे अंदर एक खिचड़ी ये बाजार जिहड़ा पक्किआ होया जी इहनूं भी खत्म करना चाहीदा। और सब तो ज़्यादा जिहड़ा आ अज नवां इशू उठिया वा ये स्कैंडल जिहड़ा जिस तरह घड़ी का पहले चुकिया गया फिर फरा गोगी साहब वाला जिहड़ा उन्हां दी मुलाकात वाली गल की गई उह ते इमरान खान साहब हुण लगे आ केस वो लीगल सारे प्रोसीजर जिहड़े आ उह ते मुकम्मल कर ले गए आ। वह अनकरीब जिहड़ा वा वह एक जिहड़ा वा सिलसिला वह बन जाणा इहनां वास्ते एक अजाब बन जाणा वा जिहड़ा कि इहनां नूं भुगतना पैणा वा। आने वाले वक्त दे विच अगर ये कमान चेंज हो जाती आ फिर जिहड़े आ मामलात कुछ से होर तरह ना सोचे जाणगे, कुछ जिहड़ियां वा गल्लां वो होर तरह सोचियां जाणगियां क्यों पाकिस्तान की सूरत हाल जिहड़ी आ वह बड़ी गंभीर सूरत आ। असाक डार साहब ने जाके एक पासे मिन्नता करते फिरदे, दूसरी तरफ जिहड़े इन्हां दे बाकी वुदरा दूसरे मशीरान या होर जिहड़े आ वह जनाब जिहड़े आ वह तड़ियां लाणते फिरदे आ। इनू की कहा जाए मुफाहमत या मुनाफकत का लफज इस्तेमाल किया जाए भी ये सियासतदान की करते फिरते आपस दे विच। अच्छा उधरों पीपल पार्टी आ वो इतिहादी भी आ ते जनाब जिहड़े आ वो आपस दे विच अंदर हुण लैग पुलिंग जिहड़ी आ शुरू होई आ। ये मैनू दिसदा कि सिर्फ उन्ने दिन दे मेहमान आ जी जिन्ने दिन साहब हैगे आ उन्ने दिन आ, उस तों बाद ये भांडे जिहड़े बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल खड़कणे शुरू हो जाणे क्यों हर बंदे दे उस मामले दे उत्ते तहफजात आ। उस साहब दे अगर साहब जिहड़े आ वो अपना नवे आ जांदे आ ते इन्हां दा मेरा ख्याल आ कि दिन जिहड़े हफ्ता भी नहीं कढ़दे नज़र आते इन्हां ने अलहदा अलहदा हो जाणा। उस तों बाद आरफ अलफीज आप साहब जिहड़े आ वो कहणगे जी इतमाद दा वोट लै लो ते या जो भी पॉलिसी जिहड़ी आ उदन कोर कमांडरां दे इजलास च जिस तरह बनी होएगी फिर उहदे तहत अमल किया जाएगा। ये सूरत हाल आ, ये गलबात आ जी। ये लेकिन आ जिहड़े साहब आ जिन्हां ने आ फिफ्थ जनरेशन वार दे विच एक नवां इजाफा किया वा एक नवां बयानिया दिता वा ये मैं तुहानू मुज़मरात बयान करन दी कोशिश की आ। नवाज शरीफ साहब एडे बच्चे नहीं हैगे कि वो एक अहमक बंदे दे नाल जिहड़ा वा या अकलमंद बंदे दे नाल या ऐसे बंदे दे नाल जिहड़ा पेट का कच्चा होवे उहदे नाल कोई गल इदां दा सीक्रेट मामला कर ये तो कोड वर्ड च कम हुंदे हुंदे आ वो आप सामने नहीं हुई इदा अपने करिंदियां दे थ्रू अगे मैसेज करके काम किए जाते ये बंदे की अकल भी कहती आ। इदा डायरैक्ट जी महफल सजा के तो इदा के आर्डर कभी दिते नहीं जाते ये पिछे कहानी कोई होर आ क्यों ये कोई ये तो नहीं है जी। आखिर उन्होंने भी पता कि अगर अल्लाह ना करे कोई अदालत दे विच केस चल जाता कोई एविडेंस या प्रूफ ऐसे आ जाते या ये उन्होंने इन्ने करीब होणगे कि उन्होंने गल की होगी। ये सारिया गल् आने वाले वक्त के पता लगनगियाँ गल छिड़ गई आ हुण जिहड़े सहाफ़ी आ या इनवैसटीगेशन करन वाले जिहड़े जर्नलिस्ट आ वो ये पिछे लगणगे
इस गल की तहकीक करनगे कि ये साहब जिहड़े इन्हां दा किरदार की आ ते क्या वाकई वह गल सही आ या को तीसरी गल आ जी जिहड़े जिन्हां ने ला के सारी कढ़ाई जिहड़ी आ उह किसे दे उत्ते सुट दित्ती आ ते आप जिहड़े आ नहाते धोते ते खुदा हाफिज़ असी मतलब के बरियल जुमा रहीए वह जाणन ते वह जाणन ते पाकिस्तान की कौम जाने ये पिड़दे रहन। बाकी मोहित डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब जिहड़े आ उन्होंने अज अपने एक वीलॉग मैं सुन रहा सी उन्हां दा बैठे तो उन्होंने दसिया कि बरतानिया की पुलिस ने उन्होंने राबता किया कि उन्होंने कहा जी थोड़ी लाइफ थ्रैट थानू भी हैगा वा सानू ये खबर मसूल हुई साढ़े नाल राबता करो वो अजकल किसी होर मुल्क दे विच आ वो हुण बरतानिया की पुलिस नाल राबता करनगे उन्होंने कहा मैं जल्दी तौर पर राबता करदा वा मकसद गल करन दा जी पाकिस्तान के अंदर सहाफत जिहड़ी आ उहदे नाल आ कुछ हो रहा सहाफी आपस जिदा जुत्तियां च दाल वंडी जा रही है इस तरह वा मैं उस दिन एक वीडियो की सी इन्हां नूं समझाउण दा अपने दिली तौर पर मैसेज देने की कोशिश की सी कि आपस ना लड़ो वरना तुसी सारे मिट जाओगे अपने आप च इतिहाद रखो। मैं फिर अज ये गल कहना कि अगर तुसी कट्ठे रहोगे तो तुहाडी एक ताकत बरकरार रहेगी वरना ये तुहाडे जिहड़े मालकान आ ते जिहड़े मुफाद परस सियासतदान आ ये मिल के ते तुहाडी जानां दे उत्ते तुहाडे खून नाल खेल के ते तुहानूं जनाब कुरबानी का बकरा बना के ते ये अपने डालर जिहड़े आ उह सिद्धे करनगे अपनियां कुर्सियां सिद्धियां करनगियां। इस वास्ते मेरी सहाफ़ी बरादरी नाल अपील आ कि अपने आप नूं यकजा करो अपने मुख जिहड़े अंदर जिहड़े खुनस मुनाफकत आ उहनूं इस मामले ते दूर कर लो। बाकी कारोबारी तौर पर एक दूजे दे नाल जिहड़ा वा जिन्ना मर्जी तुसीं इख्तलाफ कर लो किसी के ट्वीट दे उत्ते उहनूं गालियां भी कढ लो लेकिन अगर तुहाडी किसी सहाफ़ी बरादरी ते एक ते भी आँच आती आ तुसी यक जबान हो के जब तक कट्ठे नहीं होवोगे कले कले करके वह लकड़ियां के कट्ठे वांगू तुहानू तोड़ दिता जाएगा और तुहानू तबाह बर्बाद करता जाएगा। आने वाला वक्त जिहड़ा होएगा ये रवाज बन गया। अज की मेरी एक गल याद रखना अस जो कुछ आ इमरान खान साहब नाल होया वा जो कुछ आ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदाना नाल कीता गया ट्वीट किया चल अंदर किसी ने बयान दिता चल अंदर किसी ने जुर्म किया या नहीं किया नारा लाया या नहीं लाया उसते परचा हो गया एफ आई आर हो गई ये आने वाले वक्त जिहड़े मेरे दूसरी पार्टियां के लोग आ जिदे स्पैशली मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है जिहड़ी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग आ इन्हां वास्ते या एक दीनी जमात होर आ वो जिहड़े आ उन्हां वास्ते वो तो वैसे मैं देखा कि सियासी मामला जिहड़े बड़े मामला तो उच्च नहीं उलझते ये दो बहुते उलझे आ पाकिस्तान पीपल पार्टी वह भी जरा अपना रख रखाव रखती है हिसाब के नाल ही चलती आ ये जिहड़ी दो जमातां वा इन्हां नूं आने वाले वक्त दे विच अपने आप नूं जरा कंट्रोल रखना पैना अपने उत्ते वरना आ जो कुछ इन्हां ने बीज बोया वा जी ये फसल पकनी आ तैयार होनी इन्हां नूं कटनी पैनी है जी। इस वास्ते कहिंदे हुंदे इस वास्ते मैं सहाफ़ी बरादरी नूं ये गल कह रहा वा कि तुसी जितना मर्जी नफरत का बीज आपस च रखो लेकिन जदों बाहर पौधे लग तुसी नज़र आवो तो एक खेत के अंदर एक जिदा कणक इको जी मक्की इको जी इको जी उगी हुंदी आ इको जे फुल लगे हुंदे इदा नज़र आओ थल्लों भावें तुहाडी जड़ां जिहड़ियां चूहे एक दूजे दे नूं वढ़ी जाण वह जनाब काम तुसी जारी रखो लेकिन जड़ा वा उपर जिहड़े लोग आ उहनां नूं हर किसे नूं लंघदे नज़र आ यार आ मक्की चंगी खड़ी आ कणक किसे दी चंगी खड़ी आ। इस तरह जिहड़े सहाफ़ी बरादरी आ जी इहनां दा इह होवे कि इहनां दा कट्ठ उत्थों नज़र आवे अंदर खाने चलो जो पलीती पाकी तुहाडे अंदर मौजूद आ पैसों की खातर या मुनाफकत आनू जो भी कह लो एक तो अपने जिहड़े मीडिया मालकान आ उन्हां दे हत्थों इस्तेमाल ना होवो दूसरा सियासतदाना दे हत्थों इस्तेमाल ना होवो तुहाडी बका तुहाडी बचत तुहाडे बच्चे यतीम होण तो तद ही बच सकदे आ अगर तुहाडे हत्थ दे विच इतफाक होएगा तुहाडे हत्थ दे विच इतफाक की रस्सी होएगी तुसी कामयाब हो जाओगे अगर तुसी तफरके च पै रहोगे तो तुहानू ये वन बाई वन करके मटांदे जाणगे आखिर एक दिन सहाफत का नाम लैण वाला इत्थे कोई नहीं होएगा। तो आ जो कुछ हालात नज़र आ रहे हैं ये तहत अपने आप को संभालने की कोशिश करो मेरी बस यही दुआ जी अल्लाह ताला सब का महाफज़ जी।